श्री राम जय राम जय जय राम। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। शंका समाधान हेतु आपका आदि धर्मशास्त्र भगवान के श्रीमुख की वाणी है, श्रीमद् भगवद् गीता है, उसकी शाश्वत व्याख्या यथार्थ गीता पूरे कुंभ मेले में उपलब्ध है। आश्रम कैंप में आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह तैर जिते सर्गो ये श्याम साम्य स्थितम मने निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणी ते स्थित है। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका कि मन समत्व में स्थित हो गया। भला मन के समत्व स्थित होने से और संसार जीतने से क्या संबंध है? ये ब्रह्म निर्दोष और सम है और इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसलिए ही मन का मौन तक पहुंच जाता है। वो इसी दिन से ये व्रत आरंभ होता है और इसी व्रत की प्रतीक्षा में भीष्म ने अक्सर सैया पर प्रतीक्षा की थी और इसी दिन प्राण त्याग किया था। गीता में इसका वर्णन है और उत्तरायण और दक्षिणायन भजन करते करते कल प्राप्ति हो जाएगी, तो आज हमारा भजन दक्षिणायन है। परमात्मा का क्षीण प्रकाश है, खड़ विकारों का दबाव अब भी विद्यमान है, उनके द्वारा शरीर छूट भी गया तो इनके द्वारा ले जाया हुआ क्षीण प्रकाश है परमात्मा का। जगत रूपी रात्रि में अंधेरा है, जगत रूपी रात्रि का परमात्मा का क्षीण प्रकाश है। इस ज्योति से ले जाया हुआ पुरुष पुनः पुनर्जन्म प्राप्त करता है और उत्तरायण जब ऊर्ध्वरेता स्थिति हो गई तो परमात्मा का पूर्ण प्रकाश ज्योतिर्मय परमात्मा की प्रकाश ज्योति से चलता हुआ खड़े ऐश्वर्य जो ईश्वर में प्रवेश दिलाते हैं उनके द्वारा ले जाया हुआ उनका पूर्ण संयम जब सज जाता है, विवेक वैराग्य सम दम त्याग तितिक्षा उनके द्वारा ले जाया हुआ ज्योतिर्मय परमात्मा के पूर्ण प्रकाश, ये इस सूर्य इस चंद्रमा नहीं, ये तो प्रतीकात्मक है। न तद भाष्यते सूर्यो शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो सहज प्रकाश स्वरूप है, उन ज्योतिर्मय परमात्मा की ज्योति से आप्लावित होकर शरीर त्याग कर गया हुआ पुरुष पुनः लौट कर आवागमन में नहीं आता। ये उत्तरायण ऊर्ध्वरेता स्थिति उत्तरायण है, वो अर्जुन वो मुझे प्राप्त हो जाता है भजन के लिए। इसीलिए ये अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन दिया हुआ दान भी विफल नहीं। दान जिस दिन देते हैं हम, वह एक मुट्ठी दिया तो एक मुट्ठी संसार से नाता हमारा छूट जाता है, दान परमात्मा की ओर। गीता
धर्मशास्त्र कौन भजन अनिवार्य वही हम सीखने आया, उसको प्रभु को कैसे भजे, किस विधि से भजे वो बाद हम बताएंगे। सबसे पहले ये है, भारत में यहां सभाएं हो रही है, हिंदू शास्त्र कौन है, सृष्टि में पहले जन्मने वाला शास्त्र आपका गीता है। गीता पहले अवतरित हुई भगवान के श्रीमुख से और बाद में वेद अवतरित हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय गीता ही धर्मशास्त्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान मनु से कहा। मनु से जायमान हो इसलिए मनुज कहलाते हो, मानव कहलाते हो, मनुष्य कहलाते हो। वो आदि पुरुष थे, उनसे जायमान होने से आदमी कहलाते हो। भाषा वेद से पृथ्वी के गोले में जो भी मनुष्य जन्मा है उन मनु महाराज की और पुत्रों की वंश लता के अंतर्गत है। पहले तो दो हाथ पैर वाला मनुष्य था ही नहीं पृथ्वी पर। भाषा तो हर 150 किलोमीटर पर बदली जाती है। पृथ्वी के गोले में कितनी बदली हुई, जब भारत में ही 14 भाषाएं। भाषा भेद से नू को कुछ भी को, लेकिन है उस परमात्मा का ही सुमिरन जो एक ईश्वर। ईश्वर कहता है गीता कई भली प्रकार पद चिन्हों पर चलने वाला प्रतीक है। तो इसलिए उन महाराजा मनु ने जो कुछ कानों से श्रवण किया इस स्मृति में धारण कर लिया, याददाश्त में, और इस स्मृति की परंपरा देते हुए इक्ष्वाकु से कहा। अपने पुत्र इक्ष्वाकु ने से राज ऋषियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से ये अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। योग अविनाशी, विनाश असंभव, लेकिन भूल जरूर गए, चित से उतर गया वही पुरातन योग। अर्जुन मैं तेरे पति कहने जा रहा हूं, तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुझे न दे सकूं। अर्जुन ने करीब कई प्रश्न किए, आपका जन्म तो अब हुआ, सूर्य का बहुत पुराना, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप ही ने कहा था। भगवान लगे लगा प्रश्न पर ही प्रश्न करने, भगवान लगे उत्तर देने, करीब 24 प्रश्न किए। भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीता नहीं जन्मानी तब चार जुने। अंत में चुप हो गया। तब भगवान ने जो वो प्रश्न नहीं कर सकता था, जो उसके हित में था, स्वयं उठाया, समाधान किया। तब पूछा अर्जुन, तुमने एकाग्र चित्त होकर मेरे उपदेशों को श्रवण किया, क्या तुम्हारे मोह से उत्पन्न ज्ञान नष्ट हुआ? तब सादर प्रणाम करके कहा, गोविंद नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मा याचुते स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवन मोह से उत्पन्न ज्ञान नष्ट हो गया, इस आपके कृपा प्रसाद से मैं स्मृति को प्राप्त हुआ। जो स्मृति की परंपरा महाराजा मानु ने दी थी उससे मैंने बड़ी प्रकार याद कर लिया। आपने जो उपदेश दिया था मैंने स्मृति में धारण कर लिया। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय हुई और एक धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई। उस समय का संपूर्ण संसार इस युद्ध में सम्मिलित था।
परमात्मा नरेश युधिष्ठिर अभिषिक्त हुए राजगद्दी पर और एक धर्मशास्त्र पुनः प्रसारित हो गया पूरे उस समय के संसार में। पहले भी शास्त्र गीता विस्मृत हुई तो पुनः प्रसारित हुई गीता। वेद व्यास ने इस श्रुत ज्ञान की परंपरा में संशोधन कर दिया, पूर्व का लिपिबद्ध कर दिया, पूर्व का संपूर्ण ज्ञान लोकरीत और वेदरीत सबको लिपिबद्ध कर दिया, समाज शास्त्र और अध्यात्म सब लिख लिया, लिखने में आ गया। फिर उन खुद निर्णय दिया उन्होंने कि इतना कुछ लिख डाला लोग भटक जाएंगे कि इनमें शास्त्र कौन। तो चार वेद, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत और गीता, वेद व्यास की संपूर्ण कृति इतनी है। बाद में जो पुराने मीमांसा है तो बाद में समीक्षा करने वालों की देने। वेद व्यास का एक ही शुरुआत और पुराणों में गरुड़ में गरुड़ गुणा, विष्णु में विष्णु बड़े, शंकर में शंकर बड़ा, देवी में देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश झाड़ू लगावे। तो बहु पंथ पुराण ने जहाँ तहाँ झगड़ो सो तुलसी कहो राम भजन निको मोहि लागत राज डगरो सो। तुलसी कहता पुराने ये तो बहुत से मत मतांतर है, सब जहाँ तहाँ झगड़ो सो। गुरुदेव ने कहा राम का भजन सर्वोपरि है, हमें राजमार्ग ऐसा लग रहा है जहाँ तहाँ साइन बोर्ड लगे हैं, झाड़ू लगे हैं, पुलिस खड़ी है, झंडे टंगे हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं, चले जाओ धड़धड़ाते हुए भगवान के दरबार में, राजमार्ग में पूछने की जरूरत नहीं होती, पूछना ही पूछा जाता जंगल में। तो बस उन्होंने सब कुछ लिखने बाद स्वयं निर्णय दिया, 7 श्लोकों में स्तुति किया गीता जी की कि गीता तुम्हारा धर्म शास्त्र क्यों है। तो गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ने शास्त्र विस्तरे ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादो विनिश्रुता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रुत वाणी है। तो किमन्ने शास्त्र विस्तरे ही, फिर अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है जब भगवान के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। जिन भगवान को हम चाहते हैं, जिनके वरदस्त के नीचे हम जीना चाहते हैं, उनके श्रीमुख का सीधा आदेश है बेटा ऐसा करो ऐसा करो, आओ हमारे पास, चाहते भी और कहना भी नहीं मानो तो भला भगवान कैसे खुश होंगे। तो एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि कर्मापेको तस्य देवस्य सेवा। संसार में एक ही शास्त्र है, देव की पुत्र भगवान ने श्री कृष्ण ने श्रीमुख से गायन किया गीता। उस गायन में क्या सत्य बता दिया, आत्मा अर्थात परमात्मा वो अवध्य है, अकाट्य है, असोक्य है, अमृत तत्व है, जिनके वो नित्य है, शाश्वत और सनातन है। हम है सनातन धर्मी, सनातन केवल परम तत्व परमात्मा, हम शाश्वत के पुजारी, शाश्वत केवल एकमात्र परम तत्व परमात्मा, हम सत्य के अन्वेषी हैं, सत्य केवल एक परम तत्व परमात्मा, वो ज्योतिर्मय है अंधकार से अति परे, जिनके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन परिवर्तन होता ही रहता है, और विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। तो क्या है, उन्होंने क्या सत्य बता दिया, एक आत्मा। उन्हें हम क्या कह के पुकारें, कैसे भजें, एक ही मंत्र है तस्य नामानि यानि, उन प्रभु का नाम ओम। अर्जुन ओम का जाप कर मेरे स्वरूप का ध्यान कर,
नाम ओम का बताया, ध्यान अपना। कृष्ण एक महायोगेश्वर सदगुरु थे और दुर्लभ मानव तन मिला है तो कर्मा पे को तस्य देवस्य सेवा। तुम्हारा कर्तव्य पथ एक ही है, गीता में वर्णित उस परम देव परमात्मा की सेवा। इसलिए मनु महाराज दीर्घ जीवी थे, उन्होंने एक पल देखा, भगवान ने परीक्षा ली मनु की, उत्तीर्ण हो गए। तब भगवान ने कहा, मनु तुम्हारी सृष्टि को मैं बचा लूंगा, तुम सृष्टि के बीच सुदृढ़ नाव में रख लेना, अपने भ्राता सप्त ऋषियों को बैठा लेना और नाव की सुदृढ़ रस्सी को मैं मत्स्य रूप में आऊंगा, मेरे सिर में सींग होगा उसमें बांध देना, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। इतने में वो ये परले की जब बिभीषिका आई, नाव उत्ताल तरंगों पर लगी, तेर रचकोले खाने लगी, तो मत्स्य दिखाई पड़ा, बांध भी दिया। कुछ देर तो मत्स्य लेके चला, फिर भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया और लगे भगवान उपदेश देने। और मनु महाराज जो उनके श्रीमुख से जो मोती टपक रहे थे वाणी, वो अमृत वचन संग्रह करने लगे। पार होते होते चारों वेद उतर आए, मनु महाराज ने उनका संग्रह कर लिया, उसका नाम रखा श्रुति, श्रवण करने योग्य। भूल जाना तो फिर श्रवण कर लेना। गीता का नाम रखा स्मृति, स्मृति पटल पर सदा विद्यमान रहे। स्मृति माने याददाश्त, याद है तो कहावत है यहाँ पर, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। चार वेद ब्रह्मा ने भी बना रखे थे, घर कैसे बनाए, वास्तु शास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद, व्याकरण वेद। तो जब परले की विभीषिका आई तो ब्रह्मा को झपकी आ गई, तो है ग्रीव नाम का असुर आया, वो चुरा ले गया। मत्स्य भगवान ने जाके उसकी पिटाई कर दिया, मार डाला, विधाता का वेद विधाता को लाके दे दिया।